गाजीपुर से आनंद कुमार पत्रकार की रिपोर्ट। पत्रकार है समाज का दर्पण। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक ने महाग्राफिक पूर्वांचल सम्मेलन में पत्रकारों को किया सम्मानित। अधिकतर देखा जाए पुलिस और पत्रकारों में खबरों को लेकर व कार्रवाई को लेकर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता है, लेकिन गाजीपुर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह की कमान संभालने के बाद गाजीपुर जिले के पत्रकारों की आरोप और प्रत्यारोप की समस्या अधिकतर समाप्त हो गई है और पत्रकार अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो गाजीपुर पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह द्वारा पत्रकारों को सम्मान दिया जाता है, उनके द्वारा पत्रकारों की समस्याओं का उचित निस्तारण किया जाता है। इसी क्रम में महाग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में पूर्वांचल सम्मेलन मनिहारी ब्लॉक के प्रांगण में आयोजित किया गया। महाग्राफिका सम्मेलन के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह गाजीपुर ने अपने उद्बोधन में कहा कि पत्रकार एक समाज का दर्पण है जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, वहीं पत्रकारिता एक मिशन भी है। पत्रकार समाज के लिए दर्पण है। वर्तमान में पत्रकार का अहम योगदान है। पत्रकार की समस्या और सुझाव का हम बराबर साथ और सम्मान करते हैं। हमारे गाजीपुर जनपद में पत्रकारों से और पुलिस विभाग से अच्छे संबंध रहे हैं। पत्रकारों की समस्याएं कैसी भी हो हल मिलजुल कर निकाला जाता है। महाग्राफिक प्रदेश अध्यक्ष हरिनारायण यादव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि पत्रकार संगठन पत्रकारों के लिए सुरक्षा सुविधाएं मुहैया भी करता आ रहा है और झांसी से आए महाग्राफिक प्रदेश महामंत्री सूरज सिंह यादव ने कहा कि पत्रकार संगठन पत्रकारों की समस्याओं के लिए बराबर खड़ा रहेगा। झांसी में 29 मई को सम्मेलन आयोजित करने का ऐलान किया। उक्त अवसर पर सैकड़ों पत्रकारों और ग्राम प्रधान को अंग वस्त्र प्रतीक चिन्ह सम्मान पत्र प्रदेश अध्यक्ष ने दिया। विशिष्ट अतिथि समाज सेवी विजय प्रताप सिंह भकोला ने पत्रकारों की समस्याओं को उठाया। उन्होंने कहा कि पत्रकार के हम बराबर सेवा भाव से खड़े रहेंगे। सम्मेलन में महाग्राफिक प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, महाग्राफिक के संयोजक मंडल उपाध्यक्ष सुनील दुबे, महाग्राफिक जिला अध्यक्ष उपेंद्र यादव, मऊ जिले के अध्यक्ष विजय यादव, मऊ के अखिलानंद यादव, उग्रसेन सिंह, रमेश सोनी, अजय विक्रम यादव, मंडल अध्यक्ष उग्रसेन सिंह चंदौली, जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश यादव, वाराणसी से जेपी गुप्ता, वाराणसी से संजय यादव, हसन रिजवान अंसारी, राम अवध, राजभर आनंद प्रजाति, अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज प्रदीप दुबे, मोहम्मद इसरार, अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज आशीष सोनकर, अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज आदित्य कुमार, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज पुनीत कुमार त्रिपाठी, पीआरडी, अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज सुभाष कुमार, क्राइम रिपोर्टर, अल्पायु एक्सप्रेस न्यूज अजीत कुमार, मोदनवाल शुभम मोदनवाल, अभिषेक सिंह, अजय कुमार, प्रशांत दुबे, कमलेश यादव, बबलू सानू, ग्राम प्रधान, संचालन बीएन तिवारी ने किया। वरिष्ठ लोग भी मौजूद रहे। इधर के मराठा और केसरी अखबार रहे हो, गांधी जी के स्वयं के अखबार थे। यदि कोई ऐसा बड़ा लीडर नहीं था जो अखबार से जुड़ा ना था, आप पूरा इतिहास कान मारेंगे कि कोई ऐसा बड़ा नेता फ्रीडम फाइटर नहीं मिलेगा जो पत्रकार पेशे से ना रहा। तो सब लोग क्यों, क्योंकि अपनी बात कहने का और कोई माध्यम था ही नहीं। जो माध्यम था वो पेपर ही था। आज भी देखिए यूट्यूब हो जाए, तमाम तरह के इंटरनेट में साधन मौजूद हैं, फिर भी जो मजा अखबार पढ़ने का है वो किसी का नहीं है, क्योंकि उसे हम अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे तब पढ़ लें। यूट्यूब देखना है, न्यूज़ देखनी है, तो मोबाइल का चार्ज होना ज़रूरी है, उसमें पैसा होना ज़रूरी है, उसके लिए लाइट भी चाहिए। अखबार में क्या अखबार आया है अभी मुझे टाइम नहीं है, मैं अपने पास रखता हूँ, जब मुझे टाइम मिलेगा तब निकाल के पढ़ लूँगा। और मैं इस मोबाइल के रेडिएशन से बचूँगा, अपनी आँख खराब करने से भी बचूँगा, और जब चाहे तब उसे देख सकता हूँ। आधा अभी पढ़ लिया, आधा कुछ देर बाद पढ़ लूँगा। तो ये सारी चीज़ें समाचार पत्र के साथ हैं। तो मैं जो कह रहा था कि आपका काम बहुत दुरूह है, और निश्चित रूप से अभी देखिए कह रहे थे का कि इनका पीड़न भी होता है, जरूर होता है, क्योंकि जो लोग स्वार्थी हैं जब उनके स्वार्थ को आप उद्घाटित करते हैं तो वह से नाराज होते हैं। उनको लगता है कि वो जैसे शोषण करना, अन्याय करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और आप उसमें बीच में आ करके खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए फिर वो अपने स्वार्थ में आपको उत्पीड़न करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो हमारा संविधान, संविधान की प्रस्तावना में है कि हर व्यक्ति की गरिमा, हर व्यक्ति की गरिमा, और वो जुड़ी है देश की एकता और अखंडता से। ये जो देश है ये तभी एक और अखंड रहेगा जब हर व्यक्ति की गरिमा रहेगी। इसको अगर मैं बहुत साधारण सी भाषा में कहूँ कि अगर परिवार में
हर व्यक्ति को गरिमा दी गई है, हर व्यक्ति की इज्जत है परिवार में, तो वह परिवार कभी नहीं टूटता है, वो परिवार हमेशा एक रहता है। परिवार कब टूटता है? जब उसमें किसी की अहमियत ज़्यादा हो जाती है, किसी की अहमियत कम हो जाती है, मतलब कि हर व्यक्ति की गरिमा का ख्याल नहीं रखा जाता है, तो परिवार टूट जाता है। तो इसमें हमें हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना है, क्योंकि देश गुलाम इसीलिए हो गया कि यहाँ हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया था, इसीलिए